सहरा किसके सर जाएगा। अपने नाजरीन को बताते चले कि आज बात होगी पीएसएल के हवाले से। पीएसएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट जो इस वक्त जारी है और आज दो टीमें मध्य मुकाबले होंगी, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान। देखना होगा कि दोनों में से कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी और आप बेशुमार इनामात हमसे जीत सकते हैं। तो हमारे साथ रहिए, छोटे से वक्फे के बाद आगाज करेंगे खेल जवानों का। आज का मैच जो है मुल्तान सुल्तान और कराची का, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये कराची को जीतना चाहिए क्योंकि वो एकदम से ऊपर आई है। बिल्कुल। और मुल्तान सुल्तान की आज की परफॉर्मेंस भी कुछ मुझे सही नहीं लगेगी। अच्छा, बात की जाए तो ओवरऑल टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आई है। जो बड़ी बड़ी टीम्स हैं, मुल्तान सुल्तान ने उनको भी हराया, लेकिन कराची किंग्स को फेस करने में थोड़ी परेशानी का सामना है। सकती थोड़ी नहीं, अच्छी खासी परेशानी का सामना है कि कराची के जो बॉलर्स हैं वो एकदम से फॉर्म में आए। बिल्कुल, बॉलिंग लाइनअप बहुत, बॉलिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है, अपनी फील्डिंग इम्प्रूव की है और आज फैसला उनके हक में ही जाएगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा और तजर्बा क्या है। अच्छा, बात की जाए मुल्तान सुल्तान की तो ज़्यादातर लोग मुल्तान सुल्तान में शाहिद अफरीदी की बैटिंग का भी वेट करते हैं कि शाहिद अफरीदी आए तो वो मैच एकदम पलट सकते हैं। इस बात पर कितनी सदाकत है? पलट सकते हैं, ये बात है, लेकिन एक अकेला बैट्समैन मैच नहीं जीतवा सकता। बिल्कुल, पूरा टीम वर्क, पूरा टीम वर्क होता है और आज के हिसाब से मैं कराची के हक में, आप कराची के हक में देखना होगा आप कराची किंग कैसा परफॉर्म करती है। पर्सनली अगर बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। चले, अगर ओवरऑल बात की जाए कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है तो पाकिस्तान में वापस खुशहाली आ गई, वापस पाकिस्तान की रौनकें बहाल हो गई। जैसे कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था, कराची में मैचेस हो रहे हैं, कराची की रौनकें बहाल हो गई, तो एक बहुत अच्छा मैसेज है। इस हवाले से आप क्या देखेंगे? इस हवाले से ये बहुत खुश आइंदा बात है कि कराची की रौनकें बहाल हुई हैं। आप स्टेडियम को जाने वाले किसी भी रास्ते से चले जाएँ, बिल्कुल वो बकाए नूर बना हुआ है, यानी कि इतनी सजावट मेरे ख्याल में ना किसी वर्ल्ड कप के दौरान देखने में आई है और ना किसी और इवेंट के दौरान। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रिपोर्टर अफजाल खान, इनसे मजीद बात करेंगे इस हवाले से, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद आप हमारे साथ रहिएगा।
पीएसएल ने आके वापस पाकिस्तान की रौनकें बहाल कर दी। हमारे साथ मौजूद हमारे साथी रिपोर्टर अफजाल साहब। अफजाल साहब, आपसे बात हो रही थी पीएसएल के हवाले से, अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान की आवाम, खुसूसन कराची की आवाम, किस तरह पीएसएल को देखती है, कैसे एंजॉय कर रही है? नहीं, पीएसएल को तो बहुत एंजॉय कर रही है, क्योंकि कराची की आवाम का तो कोई इंटरटेनमेंट था ही नहीं। पीएसएल शुरू हुआ, रौनकें बहाल हुई, लोगों को सड़कों पर निकलने का मौका मिला। आप देखिए, जगह जगह स्क्रीनें लगी हुई हैं, लोग मैचेस देख रहे हैं और भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कोरोना जैसे माहौल में भी वो क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपकी बात की जाए तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी फेवरेट टीम क्वेटा ग्लेडिएटर। क्वेटा ग्लेडिएटर कप्तान की वजह से है या मतलब? नहीं नहीं, ऑल ओवर टीम की वजह से। ऑल ओवर। चले, बात की जाए पीएसएल की, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो पीएसएल में एक्शन में नहीं नजर आ रहा, उसको आना चाहिए था? बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन जिनमें उमर अकमल है उसको होना चाहिए था, वो मौजूद नहीं है। मोहम्मद शमी है, बिल्कुल वो मौजूद नहीं है। मोहम्मद शमी पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के लीडिंग बॉलर भी थे। बिल्कुल बिल्कुल, इन दो को तो मौजूद होना चाहिए था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अफजाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अफजाल साहब से बातें की जा रही थी पीएसएल के हवाले से, उन्होंने अपनी कीमती राय दी। अब आपको क्या करना होगा मैं बताता चलूं। सबसे पहले C10 न्यूज के यूट्यूब पे और फेसबुक पे सब्सक्राइब कीजिए, अपने जवाब बजरिया कमेंट हमें यूट्यूब पे दीजिए और आप बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। आपको बताता चलूं कि आप क्या क्या जीत सकते हैं। नजीर हुसैन यूनिवर्सिटी की जानिब से बेशुमार लैपटॉप्स, उसके अलावा नाता फाउंडेशन और शाह बीबी हेल्थ केयर के ताउन से आप दुबई का रिटर्न टिकट जीत सकते हैं। पीटीई एकेडमी की जानिब से आप फ्री साइबर कोर्सेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं मजीद इजाफा करते चलूं खाने के शौकीन अफराद के लिए कि आप लोग पिज्जा क्रस्ट पे जाके वाउचर्स दिखा के 40% डिस्काउंट ले सकते हैं पिज्जास पे। स्मॉल, लार्ज, जंबो, कोई भी पिज्जा हो, आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। इनकी सारी ब्रांचेस पे डिस्काउंट अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास हाशमी स्पागोल जो कि लाहौर कलंदर के ऑफिशियल पार्टनर है, वो भी आपको लाहौर कलंदर की टी शर्ट देंगे। साथ ही साथ शॉपिंग 24/7, उसके भी आपको वाउचर्स मिल सकते हैं। नियाज गर्ली कॉर्नर, मिस्ट्री स्टूडियो और उसके अलावा भी बेशुमार इनाम आप जीत सकते हैं और वाउचर्स ले सकते हैं। आपको करना क्या होगा, C10 न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे और फेसबुक पे और उसके बाद अपने जवाब बजरिया कमेंट दीजिए और अपने इनाम हमसे ले जाइए। देखना होगा कि जीत का सहरा किसके सर जाएगा। ये खेल है जवानों का।